नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 में मनसकरा बाईपास के पास दोपहर टवेरा और सफारी के बीच आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिहोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि एक गाड़ी सड़क से 10 फुट नीचे जाकर पलट गई। सिहोरा पुलिस के मुताबिक सिवनी निवासी सनोड़िया परिवार सफारी से मेहर दर्शन करने गया हुआ था और आज दोपहर वो दर्शन कर वापस सिवनी लौट रहे थे, तभी मनसकरा बाईपास के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ चली गई, जहां से टवेरा क्रमांक MP20BA3871 जो कि कटनी की ओर जा रही थी उससे जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सफारी सड़क से करीब 10 फुट नीचे जा गिरी। भिड़ंत के बाद वाहनों में सवार लोगों ने चीख पुकार मच गई, जिसके बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने तत्काल इसकी सूचना सिहोरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टवेरा और सफारी में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ये दो परिवार हैं, इनका भी प्रारंभिक रूप से ये ज्ञात हुआ है कि सिवनी से मैहर जा रहा था और दूसरा भी एक हनुमान ताल एरिया का जबलपुर का परिवार था। ये दोनों परिवार जा रहे थे और एक परिवार सफारी में था, एक टवेरा में था, जिनका ये सिहोरा बाईपास मनकसरा के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट पे करीब 8-10 लोग घायल हुए थे और इनको हेलों में इनको भेजा, प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ जिला अस्पताल भेजा था और जिला अस्पताल में जिनमें दो लोगों, एक महिला और एक पुरुष, इनकी हालत गंभीर थी, जिनका प्रारंभिक रूप से बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान मौत हो गई है, परंतु इनकी MLC के बाद और PM के बाद ही आधिकारिक पुष्टि की जाती है। राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में इलाहाबाद बैंक चौराहे पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और इसके उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी सुभाष सिंह बघेल, जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी तहत दौड़ का शुभारंभ किया गया और उपरोक्त सभी वरिष्ठ अधिकारियों और नगरवासियों द्वारा दौड़ में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर उपरोक्त दौड़ में सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक नगर श्री प्रकाश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास सहित अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं, NCC कैंडिडेट, स्कूल कॉलेज आदि के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मऊरानीपुर विधानसभा में हुई दुष्कर्म की घटना, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ रात में घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रदेश के अंदर दबंगों में इतना भी भय नहीं है। पीड़ित परिवार के घर में घुसकर उसे दम और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाना अध्यक्ष रेप को 151 धारा लगाते हैं। इस तरह की कानून व्यवस्था पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर अब रेप प्रदेश रखा जाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अमन बोध, मंडल अध्यक्ष बीमारी भारत एकता मिशन से हूँ और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। ये घटना जो है संतपुरा के जनपद झांसी की है और अगर पीड़ित को न्याय नहीं दिया गया तो बीमारी भारत एकता मिशन सड़कों पर उतरेगी और जन आंदोलन काम करेगी और साथ में जब तक अपराधी को जल्द से जल्द न्याय, अपराधी को सजा नहीं होती है तब तक हम लोग जो है जन आंदोलन अपना जारी रखेंगे। क्या अपराध किया, क्या नाम है अपराधी का? अपराधी का नाम है मुकेश कुमार कुशवाहा है और जो है जो पीड़ित परिवार है हम उनके साथ में हैं। रात की अपनी कमरे में सो रहे थे, 3 बजे की रात 10 तारीख तो आया, उसने हमारा गला दबाया और हमारे साथ हम चिल्लाए कि हमारी मम्मी आई और पापा, उसने मम्मी को मारा और पापा को, मम्मी पापा ने उसे पकड़ा और उठा दिया। कब की बात है? 10 तारीख। आने गई थी आपको? क्या हुआ? आने के लिए कुछ नहीं, क्या था उन्होंने पैसे दिए थे। SSP के साथ के पास गई थी? कब की? नहीं, आज कहाँ पर आई थी? इनके पास क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
अब क्या कह रहा वो लड़का था, धमकी भी दे रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस और पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। जनपद के उरई नगर क्षेत्र में समुदाय इंटर कॉलेज से शुरू की गई रैली, मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. अवधेश कुमार सिंह और सीओ संतोष कुमार मौजूद रहे और भी आला अधिकारी रैली में शामिल रहे। रतनगढ़ देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, एक दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। रतनगढ़ देवी के दर्शन कर वापस भोगनीपुर जाते समय भीड़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रॉली में बैठे श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे दबकर घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। तीन लोगों को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? रतनगढ़ से। रहने वाले कहाँ के आप लोग? भोगनीपुर कानपुर देहात। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? गाड़ी तेज थी जी और मट्टी थी जी, तो मट्टी काफी डली थी ऊंचाई से जी, उसी में चढ़ गई, खबड़ा गई। लगभग कितने लोग सवार थे ट्रॉली में? कम से कम 15-16 लोग। अच्छा, लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? अब जो मेन घायल हुए हैं, बच्चा वो चला गया है जी, लगभग सभी लोग घायल हैं। हाँ, दो चार लोग ढेर के सभी लोग घायल। बहुत एक एक्सीडेंट की सूचना आ रही है, उसमें क्या है पूरा मामला और क्या आप लोगों ने कार्रवाई की है? जी, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, रतनगढ़ से भोगनीपुर एक ट्रैक्टर जा रहा था ट्रॉली भर के, जिसमें काफ़ी पुरुष महिलाएं और बच्चे थे, जो अचानक पलट गया, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में लाया गया है, जिसमें से लगभग मरीजों की संख्या लगभग 14-15 लोग थे, जिनमें से एक महिला थी और एक बच्चा था जिसका पैर टूट गया था और महिला बेहोश थी, तो तीन लोगों की हालत थोड़ी गंभीर थी, जिसकी हालत प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, बाकी हालत ठीक है बस। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत बरगी नगर पुलिस की दूसरे दिन भी बड़ी कार्यवाही, शासकीय आवास में ताला तोड़ कर निकला 10 पेटी शराब। मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने आशीष परी के घर में दबिश दी, जिससे ताला तोड़ने के बाद अंदर शराब की 10 पेटी बरामद की गई। पुलिस द्वारा आबकारी की कार्यवाही की गई। एक दिन पूर्व भी पुलिस द्वारा लेबर हाट स्थित भूरा गड़ेवाल के मकान से 3 पेटी शराब जब्त की गई थी। शराबबंदी को लेकर लगातार बड़ी कार्यवाही करता हुआ बरगी नगर पुलिस की टीम आज सुबह जब मैं पुलिस चौकी बरगी नगर आया तो मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि दुर्गा मंदिर कॉलोनी के सामने H76 मकान पर किसी व्यक्ति ने मतलब शराब रखा हुआ है, और उसकी अगर अभी मौके पर जाते हैं आप तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, जो भी माल जब्त, नहीं तो माल कहीं भी लेके जा सकता है। मैं समस्त पुलिस बल के साथ, स्टाफ के साथ मैं यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुआ। जिस व्यक्ति के क्या नाम है, आशीषपुरी गोस्वामी को मैंने फ़ोन करके बुलाया कि ये आपका मकान है, आप इसको खोल के बताइए, जो हमें सूचना मिली है कि इसमें अवैध रूप से शराब रखी हुई है। जो आया उपस्थित हुआ, जिसने ताला खोल के कोशिश किया, फिर बताया कि ताला खुल नहीं रहा है, तो ताला उसने स्वयं तोड़ा और तोड़ के अंदर जाके जब हमने देखा तो उसमें 10 पेटी जो शराब रखी हुई थी अवैध रूप से रखी मिली, जिसको पुलिस ने अपने कब्जों में समक्ष गवाहों के लेकर कायमी की, पृथक से कायमी उसकी चौथी कायमी कर दी। सर, पास के पत्ते भी मिले? तिलवारा पुल से एक व्यक्ति ने मौत की छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कराई, लेकिन देर रात तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अंधेरा हो जाने की वजह से उसकी तलाश बंद कर दी गई। पुलिस का कहना है कि बुधवार को सुबह दोबारा युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। और पुलिस के मुताबिक विनोद लोधी निवासी पिंडरई ने सूचना दी कि उसके चाचा का लड़का अमित कुमार लोधी 32 वर्ष सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल
लेकर घर से बिना बताए चला गया है। सूचना पर गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। वहीं शाम लगभग 4:30 बजे एक व्यक्ति के तिलवारा पुल से कूदने की सूचना पर पहुंची पुलिस को मोटरसाइकिल तिलवारा पुल पर खड़ी मिली, चप्पल उतरी हुई मिली। सूचना पर पहुंचे भाई देवकरण लोधी ने मोटरसाइकिल और चप्पल अपने भाई अमित कुमार लोधी की होना बताई है। अमित कुमार लोधी की स्थानीय गोताखोरों और होमगार्ड की टीम से तलाश करवाई जा रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये कल दिवाली का है, 10 बजे रास्ते लड़की गायब थी तो लड़के को पकड़ा दूसरे दिन, उसको मारा पीटा, उसने बताया कि लड़की इधर है तो लड़की को लाए, फिर लड़के को पकड़ के थाने ले गए, रिपोर्ट रपाटी लिखाई तो रिपोर्ट रपाटी लिखाते में पुलिस वालों ने टाइम लगा दिया। कितने बजे से बैठे थे? 10 बजे से बैठे थे थाने में, अभी फ्री हुए हैं। कुछ गलत काम भी हाँ गलत काम हुआ है। क्या नाम है लड़के का, कहाँ रहता है? लड़का डोंगा झांसी का है। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम संजय। संजय क्या नाम है? संजय। क्या करता है ये? किसान का लड़का है। कुछ कंप्रोमाइज करने का दबाव भी पुलिस हाँ पुलिस तो पूरा बोल रही थी कि भाई कंप्रोमाइज करो या लड़के लड़की की शादी करा दो। हम कैसे करा दें, लड़की तैयार ही नहीं है। अच्छा वो लड़का अकेला था या उसके और लोग भी शामिल हैं? अब वो तो अभी पता नहीं चलेगा उसका, तो भाई अब खुलेगा बाद में। आपको क्या लगता है कि और लोग भी हैं? मेरे हिसाब से तो अकेले की दम नहीं बढ़ सकती। अपहरण किया गया? हाँ अपहरण ही किया गया था लड़के का। कितने घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया? सुबह 10 बजे के पहुँचे, 5-6 बजे फ्री हुए हैं, अब जो 8-9 बज गए वैसे भी अभी तो ऐसे पुलिस वालों भी थोड़े उनके हिसाब से भाई उनको भी पता चले कि यार पुलिस वाले हो तो थोड़ा सा पब्लिक की सेवा करा जाए। हैं पुलिस का सहयोग नहीं मिला? पुलिस का सहयोग नहीं मिला अगर ऊपर से फ़ोन ना जाता तो मेरे हिसाब से तो भाई पब्लिक से यही रहेगी कि यार ऐसे लोग तो थोड़ा पुलिस वालों को थोड़ा सा सब लोग मामला दर्ज अब लगाए थे थोड़ा सा अपने पहचान वाले अधिकारियों को तो थोड़ा सा हमारा यही विनती है कि भाई पुलिस वाले के लिए थोड़ा पब्लिक सपोर्ट, अपनी पहचान यानी इज्जत बचाने के लिए थाने जाती है तो पुलिस वालों को ये चीज़ करना चाहिए। एक तो सीधे मुंह बात नहीं हाँ तो सीधे मुंह बात भी नहीं कहते। ये भेड़ाघाट थाना अंतर्गत पिंडरई गांव है, वहाँ के निवासी अमित लोधी आज करीब 3 बजे अपने घर से निकले थे। अब क्या रीज़न था मुझे नहीं आइडिया है, 5:30 बजे पता चला यहाँ तिलवारा घाट पे आए और उनका भाई भी शायद उनके साथ था, उसको बचाने की कोशिश किया पर वो रुका नहीं और सीधे छलांग लगा दिया। अभी होमगार्ड्स के द्वारा इनका काफ़ी तलाश किया गया बट अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, अब देखते हैं अब दिन होने पे ही फिर से पुनः तलाश की जाएगी। एक दिन पहले भी एक हादसा और हुआ है इसके साथ जो हुआ एग्जैक्टली 3 दिन पहले एक व्यापारी ओमती थाना अंतर्गत गुमिनसा रजिस्टर हुआ था। ये व्यापारी है 3 पत्ती चौक का सरकार बंगाली, उसने भी इसी तरह सुसाइड किया था। इस पुल के लिए हमने कई बार अभी पत्र भी लिखे हैं नगर निगम में, इसमें जिस तरह पुराने पुल में जाली लगी हुई है इसी तरह इसमें इसको भी कवर कर दिया जाए अन्यथा ये सुसाइड पॉइंट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी लगातार 3 दिन में 2 सुसाइड हो गए यहाँ पर। प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर जबलपुर जिले के चरगवा थाना अंतर्गत डोंगर झांसी की है, जहां दीपावली के दिन पास के गांव में कार्यक्रम देखने के बहाने ले जाकर रास्ते में सुनसान जगह पर ले जाकर गांव के आरोपी संजय गौड़ ने 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने ये बात किसी से ना बोलने की धमकी दी और कहा कि अगर किसी को ये बात बताई तो जान से मार दूंगा। इसके बाद युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक संजय गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। चरगवा पुलिस के मुताबिक डोंगर झांसी में रहने वाली 18 साल की युवती के परिजनों की शिकायत पर संजय गौड़ पिता मुकुंदी गौड़ निवासी डोंगर झांसी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों द्वारा शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने युवती को ग्राम बिजौरी में हो रहे दीपावली के कार्यक्रम को देखने के लिए साथ चलने के लिए कहा, जिस पर युवती के परिजनों ने कार्यक्रम देखने के लिए साथ भेज दिया। कल एक 376 का मामला एक महिला के द्वारा कायम कराया गया है, जिसमें अनावेदक आरोपी संजय गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य घटनाएं भी हुई हैं जिनकी FIR हुई है, जिनके आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस में आज कैदियों से मिलने परिजनों के मिलने के लिए जेल के द्वार खोले गए। मौका था भाई दूज त्योहार का।
जबलपुर में हर साल की तरह कैदी अपनी बहनों से मिलकर भाईदूज का त्यौहार मनाए। इस दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों के सामने भी सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें मिलने दिया गया। केंद्रीय जेल प्रबंधन के मुताबिक हर साल की तरह इस वर्ष भी करीब 1000 से ज्यादा कैदियों की मुलाकात उनके परिवार वालों से करवाई गई। कैदियों की मुलाकात के लिए खुले मैदान को चुना गया। भाईदूज त्यौहार में सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक कैदियों से उनके परिजनों का सिलसिला चलता रहा। जी हमारा भैया है, हम भाई से मिलने आए हैं। भगवान से ये चाहते हैं, श्री राम भगवान ये चाहते हैं दोबारा मौका ऐसा ना आए। जी 2 महीने से बंद है, झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा मौका ना आए। भगवान से हर कोई भाई बहन जिसके माता पिता आए हैं सब लोग ये प्रार्थना करें कभी ऐसा मौका ना आए। हमारा नीतू मोर है भैया, हम ये चाहते कि अभी कभी हम इतने नहीं आओ चाहे। हमारी बहनें बेटियाँ सब आंची मिल्क है, वो चली भी गई। और आज त्यौहार रहा दोस्त का, मिलने के लिए आए थे। अपराध से दूर रहे, कभी नहीं आना चाहिए जेल के। आपका नाम बताओ? हमारा अग्नु बलियत भी। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर की क्राइम ब्रांच और थाना कटंगी पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर 4 शातिर वाहन चोर सहित 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 अभी भी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए इन आरोपियों को कब्जे से चुराई हुई 10 मोटरसाइकिलें कीमती 7 लाख रुपए की जब्त की है। पुलिस गिरफ्त में आए ये शातिर चोर बेहद ही शातिर हैं, जो पलक झपकते ही वाहन पार कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये पूर्व में भी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अब इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एक टीम बनाई गई थी क्राइम ब्रांच की, जिसके तहत 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस बार हमने ये तय किया था कि ये पता करें कि गाड़ियों का, चोरी की गाड़ियों का डिस्पोजल कैसे होता है। तो चोरी की जो गाड़ियां हैं उसमें अधिकांश ग्रामीण अंचल में सेकंड हैंड में बेची जा रही है, और यहां पर जो कबाड़ी हैं वो इसको ख़रीदते हैं 2000 रुपये में, और ख़रीदने के बाद इसको काट देते हैं। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जो ऑटोमोबाइल का काम करते हैं उनको दे देते हैं, और जो लोहे का मटेरियल रहता है बड़ा उसको स्क्रैप करके बेच देते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा इनका एक चक्र था। इसमें एक कबाड़ी राजा खान को भी अरेस्ट किया गया है, एक कबाड़ी अभी भी फरार है, मुजम्मिल अली निवासी छोटी उमती, इसको भी हम जल्द अरेस्ट करेंगे। तो और पता चलेगा कि कितनी अभी तक गाड़ियां कबाड़ियों की दुकान पर कटी हैं। इस आरोपियों से 10 मोटरसाइकिलें 7 लाख रुपए की जब्त हुई हैं, जिसमें 4 जो हैं ये सातिर वाहन चोर हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड हैं। 1 कबाड़ी गिरफ्तार हुआ है। इस पर लगातार हम और फोकस कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गाड़ियां हैं वो ग्रामीण अंचल में जो खरीद रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनवा रहे हैं, या कबाड़ी काट रहे हैं तो काटने के बाद जो डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं उसका डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, उसका क्या लिंक है। इनसे हम गहन पूछताछ करेंगे और इस तह तक जानने का प्रयास करेंगे कि चोरी की गाड़ियों का फाइनल डिस्पोजल कैसा हो रहा है। जादू टोना के संदेह में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को मझौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि बीते कुछ दिनों से उसका परिवार बेहद परेशान था। रामप्रसाद ने तंत्र मंत्र से उसका जीना दुश्वार कर दिया था। गौरतलब है कि नरीला निवासी रामप्रसाद झाड़फूक का काम करता था। बुरा कोल साइकिल से रामप्रसाद के घर पहुंचा और विवाद करते हुए बका से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग रामप्रसाद की कुछ देर में मौत हो गई। वारदात के बाद बुरा कोल मौके से फरार हो गया था। विज्ञान के दौर में हम जी रहे हैं, तकनीक में हम बहुत आगे चले गए हैं। एक व्यक्ति की महज इसलिए हत्या कर दी, उसका ये मानना है कि उसको जो बीमारियां हो रही हैं या उसके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके परिवार के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, वो एक व्यक्ति विशेष के जादू टोने के कारण आ रही, झाड़फूंक के कारण आ रही। इसी के चलते बक्सू उर्फ राम प्रसाद कोल की हत्या की गई है। इसमें आरोपी बूरा कोल, जो कि नरीला थाना मझौली का रहने वाला है, मृतक भी उसी गांव का रहने वाला है, उसकी हत्या कर दी। बड़े ही निशंस
तरीके से हत्या की गई है। सुबह 27 तारीख को 6:30 बजे मृतक अपने खेत की ओर जा रहा था। आरोपी का घर बगल है और उसने सुनियोजित तरीके से बका से मार के आरोपी की मृतक की हत्या की है। हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी से भी पूछताछ इस संदर्भ में और की जाएगी और ये जानकारी प्राप्त की जाएगी कि गांव में ऐसे कौन से लोग हैं जो झाड़ फूंक या जादू टोने जैसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, ऐसे अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। इन पे भी जागरूकता अभियान थाना प्रभारी के द्वारा और CSP साहबान और एडिशनल SP साहबान के द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट है कि आज वैज्ञानिक और तकनीक के दौर में हम झाड़फूंक और अंधविश्वास पे विश्वास कर रहे हैं, तो इस पे भी हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।